नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के अंतर्गत एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपको जो है आने वाला है। तो हम लोग इस क्वेश्चन पेपर का अभी करने वाले हैं कंप्लीट सोल्यूशन, यानी कि जो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो इसका हम लोग अभी जो है कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। यानी कि आपका जो है इसमें जो है कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करने होते हैं, जैसे आपको पता ही होगा यार, पैटर्न तो आप जानते होंगे। तो हम लोग इसका सलूशन कर लेते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए, देखिए आपको जितना ज्यादा हो सके उतना आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है पेपर देने से पहले। चाहे जिस भी सब्जेक्ट का आप पेपर देने जाएं, आप उस सब्जेक्ट के कम से कम 10 से 15 सेट बिल्कुल सॉल्व करके जाइए। इससे दोस्तों आपका 100 नंबर में से यार बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है और आपको एक तरीका पता चलता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। तो यहां पर आपका टाइम 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला और इसका नोट आप देख सकते हैं, बाकी यहां पर आपके निर्देश है तो इनको हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग जो है डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं यहां पर सबसे पहले खंड का। देखिए इसमें आपका जो खंड का होता है, इसमें आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कितने? तो 10 ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका हिंदी गद्य साहित्य से होता है और 5 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव हिंदी पद्य साहित्य से होता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि 100 अजान 1 सुजान के लेखक हैं। तो यहां पर 100 अजान 1 सुजान के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास या बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए यहां पर 100 अजान 1 सुजान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4th इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चौथा विकल्प क्या होगा? आपका राइट हो गया, यानी कि बालकृष्ण भट्ट क्या है? 100 अजान 1 सुजान के लेखक हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र, ठीक है, इनको उग्र भी बोला जाता है। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र को कृति अपनी खबर, जो इनकी मतलब कृति है अपनी खबर, इसकी विधा क्या है? यानी कि आपको बताना है कि जो अपनी खबर जो है यह किस विधा की रचना है, कुल मिलाकर ये आप समझिए। तो संस्मरण है, आत्मकथा है, जीवनी है या रेखा चित्र है? तो देखिए जो आपका पांडे बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर है, यह आत्मकथा है, यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अपनी खबर क्या है? ये आत्मकथा विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला। तो यहां पर आपका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कविवचन सुधा के संपादक थे, ठीक है। तो कविवचन सुधा के संपादक लाल कृष्ण, यानी कि यहां पर देखिए लाल कृष्ण भट्ट लिखा है, लेकिन यह क्या है? बालकृष्ण भट्ट होगा। तो यहां पर इससे हमसे मतलब नहीं, यहां पर जो कविवचन सुधा है या किसकी है, तो यह हमारी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, यानी कि आपका यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये कविवचन सुधा के संपादक हैं, तो इसलिए यहां पर सेकंड राइट होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए यहां पर आपका आता है। तो यहां पर आपके 3 क्वेश्चन हुए, इसके बाद आपका चौथा नंबर, देखिए यहां पर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो भारतेंदु युग के, नेक्स्ट आपका द्विवेदी युग के, इसके बाद आपका ऑप्शन है यहां पर छायावाद युग और आपका प्रगतिवाद। तो देखिए जो यहां पर सरदार पूर्ण सिंह जी हैं यह किस युग के लेखक हैं? तो ये आपके हैं द्विवेदी युग के, यानी ऑप्शन आपका सेकंड जो है इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, तो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ठीक है। तो यहां पर आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना इनमें से कौन सी है, जिसमें आपके 4 ऑप्शन है। पहला आपका चिंतामणि हो गया, दूसरा आपका पंच परमेश्वर हो गया, नेक्स्ट आपका हो गया कुटज और इसके बाद है चंद्रकांता। तो यहां पर आपका कुटज क्या है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है 3rd इसमें राइट हो गया। यहां पर सेकंड लिखा लेकिन यार थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा। तो आपका जो कुटज है यह राइट होगा, हमें ऑप्शन से मतलब है ना। तो चलिए इसका देखते हैं अगला। तो यहां पर आपका स्टार्ट होता है जो है दूसरा क्वेश्चन, यानी कि यहां से आपके जो है 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव जो है हिंदी पद्य से आते हैं। तो यहां पर आपका ये क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञेय की रचना है, ठीक है। तो यहां पर सचिदानंद हीरानंद व साइन अज्ञेय जी की रचना कौन सी है? पहला आपका कुरुक्षेत्र हो गया, दूसरा आपका है हरी घास पर छड़वर, नेक्स्ट आपका रश्मिरथी, अगला है आपका हुंकार। तो देखिए जो आपका कुरुक्षेत्र हो गया, रश्मिरथी हो गया, हुंकार हो गया, सभी क्या रामधारी सिंह दिनकर जी के हो गए। इसके अलावा यहां पर हरी घास पर छड़वर क्या है? यह सचिदानंद हीरानंद व साइन अज्ञेय जी की रचना, यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका आता है अगला, देखिए यहां पर आपका खा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रीति मुक्त कवि हैं, तो बिहारी हैं, ये भूषण है या केशव है या घनानंद है? तो देखिए यहां पर रीति मुक्त कवि कौन है? तो ये है घनानंद, है ना। तो यानी कि आपका चौथा जो विकल्प होगा बिल्कुल राइट होगा। तो घनानंद क्या है? रीति मुक्त कवि है। इसके बाद आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहां पर आपका दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। तो तीसरा प्रश्न देखिए कह रहा है कि हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, पूर्व मध्य
मध्यकाल किसे कहा जाता है, आदिकाल को, भक्ति काल को, रीति काल को या आधुनिक काल को। तो देखिए जो आपका होता है यहाँ पर क्या, पूर्व मध्यकाल है ना, तो यहाँ पर आपका पूर्व मध्यकाल क्या होता है, भक्ति काल को कहा जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन सेकेंड क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर इसमें हो जाएगा, भक्ति काल को क्या बोलते हैं, तो पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा सेकेंड नंबर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका आता है यहाँ पर हाँ चौथा क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत जिन्हें बोलते हैं प्रकृति का सुकुमार कवि, ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाता है, तो प्रकृति का सुकुमार कवि बोलते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी को, तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस कृति पर मिला था, तो यहां पर इनकी कुछ कृतियां बताई गई, पहला आपका लोकायतन, दूसरा आपका है कला और बूढ़ा चांद, नेक्स्ट आपका चिदम्बरा, अगला है आपका अद्दिमा। तो देखिए इसमें से चार कृतियां, अब इसमें से आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इन्हें किस कृति पर मिला था, तो ये मिला था चिदम्बरा पर, यानी कि इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह होगा आपका तीसरा, यानी कि जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था, तो ये आपका चिदंबरा पर मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन देखिए, तो यहां पर पांचवा प्रश्न कह रहा है कि कामायनी में सर्गों की संख्या, यहां पर आपका 100 लिखा है ना, तो यहां पर आपको कामायनी में सर्गों की संख्या है ना, कितने सर्ग हैं कामायनी में, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहां पर कामायनी में सर्गों की संख्या 12 है, 14 है, 15 या 17 है, तो इसमें से आपका देखिए कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का क्या है, महाकाव्य, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें जो है सर्गों की संख्या कितनी है, तो 15 सर्ग है ना, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें जो है सर्गों की संख्या कितनी है, तो 15 सर्ग है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका चैप्टर है श्रद्धा मनु, ये क्या है, कामायनी से ही लिया गया, ठीक है, तो यहां पर आपका इस प्रकार से ये एक प्रकार से सर्ग है। तो इस प्रकार से आपका यहां पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह समाप्त होते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, तो यहां पर आपका स्टार्ट होता है जो है गद्यांश, और इसमें आपके 10 नंबर के आते हैं, ठीक है, गद्यांश में 10 नंबर और इसी प्रकार से पद्यांश में, तो आपको एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखना, बिल्कुल अंतिम तैयारी के साथ देखना है ना, और बिल्कुल आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। तो देखिए क्या कह रहा है, पहला आपका गद्यांश यहां पर कह रहा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, ठीक है, सहस्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन में तादात्म्य प्राप्त किया है, और जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भवन को अमृत से भर देती हैं तब तक, ठीक है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के, अब इसको देखिए आपको पहचानना है कि इसमें कोई ऐसा कीवर्ड हमें मिल जाए ताकि हम लोग पहचान जाएं। तो यहां पर देखिए इसको पढ़ते जाइए, अगर पहचान गए तो पहचान गए, अच्छी बात है, लेकिन आपको यहां पर कुछ ना कुछ वर्ड मिलते हैं, मैं आपको तरीका बताऊंगा। जैसे आपका कह रहा है कि इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद यहां पर है राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। अब देखिए इसमें एक राष्ट्र हमारा शब्द मिल गया है ना, तो अब देखिए इस प्रकार की पहचान होती है। तो यहां पर आपका जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्र वर्षों से राष्ट्रीय शब्द मिला, इसी प्रकार से यहां पर एक राष्ट्र मिल गया, मतलब यहां पर कुल मिलाकर राष्ट्र से संबंधित बात हो रही है, ठीक है, मतलब ये जो पूरा का पूरा आपका ये गद्यांश है इसमें आप क्या समझ पाए, इसमें आपकी राष्ट्र से संबंधित बात हो रही है। अब आपने ये चीज पकड़ी कि राष्ट्र से संबंधित यानी कि देश के बारे में कुछ ना कुछ बताया जा रहा है, तो मतलब यहां पर आपका क्या हो गया, यह राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से, जो कि आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी का चैप्टर है ना, तो आप सभी जानते हैं ना वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो चैप्टर है क्या, तो राष्ट्र का स्वरूप, तो वहीं से लिया गया है। अब इसमें देखिए निश्चित क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन को आप कितना आसानी सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है, तो आपके यहां पर जो है इसको पढ़ेंगे, और अगर आपको बन रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना तो आपको क्या करना है, तो पहले इसको पढ़िए, यहां पर कुछ कीवर्ड आप मैच करिए, ठीक है, जैसे कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन में जन ने तादात्म्य प्राप्त किया, तो यहां पर जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है, ठीक है, तो यहां पर आपका जन का प्रवाह क्या अनंत होता है, आप लोग थोड़ा सा इसको मीनिंग को चेंज करिए, जैसे आप मैं यहां पर बता दूं अनंत मतलब बहुत अधिक या कुछ ऐसा करके मीनिंग को थोड़ा बहुत इधर उधर करके, माने सेम आपको नहीं उतारना, ये ध्यान दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में आप सोचे कि यार यहां से बिल्कुल सेम मैं इसको जो है उठाकर और इसका आंसर बना दूं, तब आपको जो है मतलब एग्जामिनर की अगर नजर पड़ जाती है ऐसे में तो आपको नंबर नहीं मिलेगी, ये ध्यान दीजिएगा। तो पूरा का पूरा आपको सेम टू सेम यहां पर उतारना नहीं है, कुछ ना कुछ चेंज करके आपको इसका आंसर बना देना है, ठीक है, तो यहां पर आप इतना माइंड लगा सकते हैं, बाकी थोड़ी सी चीजें यहां पर चेंज करके ही लिखना है, तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। अब अजर अमर शब्द यहां पर आया है, तो हम यहां पर देखेंगे कि कहां पर हमारा अजर अमर शब्द आया था, तो देखिए यहां पर आया था कि राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, ठीक है, तो मतलब कि यहां पर देखिए जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भवन को अमृत से भर देती हैं, तो यहां पर आपको क्या करना है, इसी को जो है बना देना है आंसर, ठीक है, मतलब ये वाला आपको यहां पर आंसर
आंसर बनाना है तो इसको थोड़ा सा आपको कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, तो मैंने बताया कि सेम आपको नहीं उतारना, बाकी आप यहां पर लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये चीजें होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका उत्थान के घाटों के, तो इनको आप लिख कर लेंगे, है ना, काफी आसान है। और यहां पर आपका आता है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो यहां पर आपका जिससे कभी कोई अंडरलाइन नहीं है, लेकिन आपका अगर कहीं पर जो है रेखांकित कर देता है कि अंडरलाइन इस प्रकार से कर देता है तो उसकी आप व्याख्या करिए। और व्याख्या में भी आपको ठीक ऐसा ही करना है, आपको सेम टू सेम उतारना नहीं है। ठीक है, काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे उनको कुछ नहीं आ रहा तो वो इसी को उतार देते हैं। यार हिंदी है, हिंदी को आप सेम टू सेम क्यों उतार रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश तो है नहीं कि आपको मतलब कुछ भी नहीं आएगा, इसमें तो नहीं कर पाएंगे, तो इसमें आप थोड़ी सी चीजें जो है चेंज कर दीजिए और अपने हिसाब से आप अपनी भाषा में लिखिए, तो इससे आपको नंबर जो है पूरे पूरे मिल जाते हैं। तो ये दो दो नंबर के सभी क्वेश्चन होते हैं। और यहां पर कितने 5 क्वेश्चन है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम, तो ये आपका पाठ का शीर्षक हो गया राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक कौन है, तो यहां पर हो गए आपके वासुदेव अग्रवाल जी। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और 10 नंबर बिल्कुल आपको लेके आना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या है, तो दूसरा आपका अथवा में रहता है, यानी कि अगर आप चाहें तो पहले वाले को कर सकते हैं और अथवा में रहेगा तो आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि मगर उदास होना बेकार है, अशोक आज भी यार पहचान मिल गई। ठीक है, यहाँ पर अशोक शब्द आ गया, तो हमने क्या किया, इसको पहचान लिया। इसलिए कहा जाता है कि 15 मिनट जो आपके टाइम होता है 15 मिनट का, उसमें क्वेश्चन पेपर को जरूर से पढ़ना है आपको, है ना। तो क्वेश्चन पेपर बिना पढ़े आपको सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना बिल्कुल भी। तो यहाँ पर अशोक शब्द आ गया, तो हमने क्या देखा, अशोक का फुल चैप्टर हमने पढ़ा जो कि हजारी द्विवेदी जी का, तो मतलब ये वहीं से लिया गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहां पर देखिए क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो क्वेश्चन आप देखिए, मैंने बताया कि आपको इसी क्वेश्चन को पढ़ना है और ऊपर वाला सीधे से आपको पढ़ना है पहले गद्यांश को और फिर इसके आंसर आपको दे देने हैं, ना। तो ये चीजें आपको वहीं पर मिलेंगी। और रही बात यहां पर जो अंतिम क्वेश्चन होता है, यानी कि पाठ का नाम और शीर्षक का नाम, तो मैंने आपको बताया था यानी लेखक का नाम, तो ये मैं आपको जो है बता ही चुका हूं। इसके बाद आपका 10 नंबर का आता है यहां पर पद्यांश, ना। तो इसमें चलिए देखते हैं यहां पर, तो पद्यांश में आपका यहां पर निरख सखी खंजन आई इस प्रकार से दिया गया, तो इसको आप लोग थोड़ा सा चाहिए कि कहां से लिया गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां पर आपको देखना। देखिए यहां पर आपका एक और है, कौन सा, तो अथवा में रहता है, तो यहां पर अथवा में क्या दिया गया, तो थोड़ा समझिएगा, कह रहा कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, है ना, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दे। ठीक है, दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार हो चुका है सिद्ध तुसी सु अभी अज्ञान, फूल काटो कि तुझको कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। तो ऐसा करके क्या दिया गया है, एक आपको पद्यांश है। अब ये कहां से लिया गया है, तो सावधान है मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो कहां से दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये आपका अभिनव मनुष्य, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा क्या, अभिनव मनुष्य। ठीक है, तो वहीं से आपका यह लिया गया है, तो अभिनव मनुष्य से लिया गया है। और इसके आपके लेखक कौन है, रचयिता या कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक है, तो वहीं से लिया गया, तो आप इसको पहचान गए होंगे। और बाकी इसके नीचे क्वेश्चन यहां पर देखिए संदर्भ हो गया, ये सारी चीजें आप यहीं से देखकर लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया ही है। और व्याख्या करनी है तो व्याख्या के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ लेना इसको। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपका आता है जीवन परिचय। जीवन परिचय में देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित लेखक में से किसी, देखिए 3 आपके दिए रहते हैं ना, और आपको 80 शब्द, देखिए शब्द सीमा का विशेष ध्यान देना है। मैं आपको जीवन परिचय लिखने का तरीका कम से कम 4 से 5 बार आपको बता चुका हूं और डेली आपको एक एक वीडियो दे रहा हूं इन सभी चीजों पर, टॉपिक पर, तो आप लोग उनको जरूर से देखिए। बाकी यहां पर आपको 5 नंबर का रहता है, तो आपका 3+2 का मतलब ये होता है, जब आप लोग जीवन परिचय लिखेंगे तब आपको 3 नंबर मिलेंगे, और जब आप लोग उनका साहित्यिक परिचय, क्योंकि यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए कृतियों पर उल्लेख कीजिए या मतलब इनका प्रकाश डालिए, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। तो यहां पर आपको 3 जब जीवन परिचय मिलते हैं और साहित्यिक परिचय और कृतियां जब आप लिखेंगे तब आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, तो इसलिए यहां पर आपको याद कर लेना। बाकी आपको बता दूं, देखिए यहां पर वासुदेव अग्रवाल जी का आप याद कर लीजिए और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, केवल और केवल आपको 2 जीवन परिचय पढ़ने, इसके अलावा आपको एक भी जीवन परिचय नहीं पढ़ना इसमें लेखकों के अंतर्गत। ठीक है, केवल 2 पढ़िए, तो यहां पर आपका 5 नंबर यह दिला के जाएगा। इसके बाद आपका कवियों का जीवन परिचय आता है, तो देखिए इसमें कौन कौन से हैं, तो कवियों के जीवन परिचय में इसमें भी आपका क्या होता है, 5 नंबर का ऐसा ही तरीका होता है, तो ये भी आपका 80 शब्द की सीमा होती है। और इसमें आपका देखिए सुमित्रानंदन पंत हो गया, और यहां पर रामधारी सिंह दिनकर और अज्ञे, तो इसमें से देखिए आपको कौन कौन से पढ़ने, तो यहां पर आप पढ़ लीजिए सुमित्रानंदन पंत जी का, इसके अलावा आपको पढ़ लेना है महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, तो यहां पर एक महादेवी वर्मा जी का पढ़ लीजिए और इसके अलावा एक आप जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ लीजिए। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, तो यहां पर आप 3 जीवन परिचय पढ़िए और इसमें से आपका 5 नंबर दिला के जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जीवन परिचय में ये पढ़ना। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कहानी,
तो ये भी आपका कितना 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें आप केवल और केवल पंचलाइट कहानी को पढ़िए, ठीक है। अगर आप जो है बहादुर को पढ़ चुके हैं तो आप पढ़ लीजिए, बाकी आपको ये 2 कहानियां इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना। तो यहां पर पंचलाइट को बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, पंचलाइट कहानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, 5 नंबर के लिए यह कहानी पूछी जाती है, ठीक है। तो यहां पर आपको पंचलाइट को पढ़ना और इसका सारांश कैसे लिखना है, उद्देश्य क्या होता है कैसे लिखना है, इसके लिए अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के नीचे, ठीक है, जस्ट मैंने एक वीडियो डाली तो उसको आप देख सकते हैं और वहां पर मैंने सारी चीजें कवर करी है, कॉपी में आपको कैसे सारी चीजें लिखना है, तो उसके लिए आपको उस वीडियो को देख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। अब देखिए यहां पर आपका आता है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब दोस्तों यहां पर होता क्या है, स्वपठित का मतलब आपके जिले में जो भी खंड काव्य पढ़ाया जाता है, और इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको जिलेवार जो है मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको वैसे भी आपको पता ही होगा, आपने स्कूल टीचर से जान लिया होगा कि हमारे जिले में कौन सा आता है, तो इन चीजों को आपको जो है अपने जिलेवार तैयार करना है, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है और आपका बिल्कुल क्लियर नंबर होता है। और इसके बाद देखिए संस्कृत, यहां पर स्टार्ट होता है आपका खंड खा, इसमें देखिए संस्कृत में क्या क्या करना है। तो संस्कृत में आपको कई बार बता चुका हूं, देखिए पहला वाला एकदम इंपॉर्टेंट है और इसको मैं आपको हर एक वीडियो के माध्यम से बताता हूं कि इसको आप पढ़ के जाइएगा। जो आपका चैप्टर है संस्कृत भाषा एवं महत्व है ना, उस चैप्टर को आपको पढ़ के ही जाना है। देखिए इसमें क्या करा है कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम तस्य गद्ये पदे चालालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्यम वर्तते किं बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रणाम संस्कृत वाङ्मय ददाति नाम तादृशीयम किञ्चित्तम। तो यहां पर आपका ये क्या है, पूरा एक जो है दिया गया, इसके अलावा अथवा में ये एक नीचे दिया गया है। तो आपको अथवा में तो देखना बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं आपको पहला वाला जो है इसको तो पढ़ के ही जाना है, यानी कि जो आपका संस्कृत भाषा महत्तम चैप्टर है इसको आप बिल्कुल पढ़ लीजिए और यहां पर आपका ये 7 नंबर आपका दिला के जाएगा। और रही बात आपका 2 नंबर संदर्भ कैसे लिखना है, तो संदर्भ आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत आपका जो मतलब संस्कृत का क्या है गद्यांश है, तो लिखेंगे आप लोग कि प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड के, हिंदी खंड में ही ना मतलब हिंदी के अंतर्गत ही तो आता है, तो हिंदी खंड के संस्कृत दिग्दर्शिका में, ठीक है। और आपका चैप्टर का क्या नाम है, तो संस्कृत भाषा महत्तम पाठ से या मतलब अध्याय से लिया गया है, ठीक है, या अवतरित है। तो ऐसा आप लोग यहां पर संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर का, और 5 नंबर में इसकी व्याख्या कर देनी, तो व्याख्या काफी आसान है, मैं आपको बता चुका हूं। जैसे कह रहा कि संस्कृत भाषा साहित्यम सरसम व्याकरणम सुनिश्चितम, मतलब संस्कृत का साहित्य जो है सरस है और व्याकरण इसकी सुनिश्चित है। तो इस प्रकार से आपको समझ के मतलब तस्य गद्य पद्य यानी कि उसके जो है गद्य और पद्य में ललित भाव मतलब पाए जाते हैं, और इसी प्रकार से मतलब इनको आपको जो है कर देना, मैं आपको कई बार इसको बचा चुका हूं। और नीचे आपका अथवा में तो आप इसको पढ़ सकते हैं, बाकी आपका यहां पर श्लोक में आता है, तो श्लोक में आपको सुभाषित रत्नानी चैप्टर से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक पूछे जाते हैं, तो आपको उसी चैप्टर से पढ़ना है। नेक्स्ट आपका यहां पर आता देखिए क्या, तो ये मुहावरा और लोकोक्तियां, इसमें देखिए आपका पहला क्या हुआ, 2 नंबर के लिए आते हैं, ध्यान दीजिएगा 2 नंबर के लिए आपका ये पूछा जाता है, जिसमें से कह रहा किसी एक का, यानी कि आपके यहां पर कितने हैं, 4 हैं। तो आप काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको समझ में नहीं आता, क्वेश्चन को नहीं पढ़ते और डायरेक्ट करने लग जाते हैं, तो क्या होता है यहां पर आप 2-4 जो भी होते हैं सब कर डालते हैं, लेकिन आपको देखना क्या है किसी एक, यानी कि 4 दिए हैं, तो इसलिए कहा जाता है क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पहले पढ़ लीजिए और फिर आपको करना स्टार्ट करना है। तो ये आपको किसी एक का करना है, यानी कि 4 में से एक का करना है, जैसे मतलब आप किसी को भी कर सकते हैं, जैसे कि अपना उल्लू सीधा करना और इसके बाद घी के दिए जलाना, इस प्रकार से सारे दिया गए हैं, ठीक है। तो इनको आपको किसी एक को करना है। इसके बाद यहाँ पर ग्रामर, देखिए इसमें थोड़ा सा हम इसको जो है सॉल्व करते हैं कि अगर आगे संधि विच्छेद आपको पहले में करना है, कह रहा कि अत्याचार का संधि विच्छेद कौन सा होगा, सही शब्द मतलब सही संधि विच्छेद, तो इसमें आपका अत्याचार का होता है अति धन आचार, है ना। अब यहाँ पर देखिए इसमें पहले में हलंत नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर हलंत लगाया गया है, तो फिर भी लेकिन आपको अति धन आचार ही सही करना है ना, तो बा आपका जो है राइट होगा, अति धन आचार अत्याचार का सही संधि विच्छेद होता है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्या रहा, तो आपका यहाँ पर सेकंड कह रहा कि राजश्री का सही संधि छेद है, तो इसका क्या होता है, तो इसका होता है राजधन ऋषि, है ना, तो यानी कि आपका यहां पर हो जाएगा राजधन ऋषि, तो इस प्रकार से आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्या कह रहा है, तो यहां पर है नेक्स्ट आपका कह रहा है कि तीसरा नंबर नायका, ठीक है, नायका का सही संधि विच्छेद है, तो नायका का सही संधि विच्छेद कौन सा होता है, तो ने धन आका होता है, ठीक है, क्या होता है, ने धन आका, यानी कि फर्स्ट यानी कि आ नंबर वाला आपका राइट आंसर इसमें होगा, तो ने धन आका यानी कि नायका होता है। इसके बाद देखिए अगला, तो आपका आता है यहां पर विभक्ति वचन, तो इसमें देखिए यहां पर विभक्ति वचन बताना, जैसे पहला क्या है राजभी शब्द में, ठीक है, राजभी शब्द में विभक्ति और वचन बताइए, ठीक है, कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन होगा इसमें, तो आपके 4 ऑप्शन है, ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन हो जाएगा, पहला आपका चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, दूसरा आपका है तृतीय विभक्ति बहुवचन, इसके बाद है पंचमी विभक्ति बहुवचन, और अगला है आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा तृतीय विभक्ति बहुवचन, यानी जो आपका राजभी होता है ये क्या, तृतीय विभक्ति बहुवचन का शब्द, ठीक है, तो इसलिए
आपका यहाँ पर सेकेंड नंबर, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट, तो आपका आता है यहाँ पर दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या करा है कि जगती शब्द में विभक्ति और वचन, यहाँ पर विभक्त लिखा है कुछ ऐसा करके, लेकिन ये क्या है विभक्ति और वचन बताना। तो इसमें देखिए आपका कौन सी विभक्ति कौन सा वचन हो जाएगा ना, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन, जो आपका जगती होता है क्या, तो आपका जगती जो है ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि दा नंबर है ना, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यानपूर्वक इनको पढ़ना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर आपका पहला क्या है, तो कह रहा है सही शब्द युग्मों का आपको अर्थ चुनकर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है अभय और उभय, अभय का मतलब क्या होता है और उभय का मतलब क्या होता है। तो देखिए अभय का मतलब होता है आपका यहाँ पर भयहीन, मतलब बिना डर के, ठीक है, यानी कि अभय किसे बोलते हैं, जिसे कोई भय ना हो, ठीक है, बिना डर के हो, ठीक है, तो वहां पर हो जाएगा भयहीन, ठीक है, बिना डर के मतलब कि भयहीन। और इसके बाद उभय, उभय का मतलब क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं उभय निष्ठ या कॉमन इंग्लिश में बोलते हैं, तो इस प्रकार से होता है दोनों के लिए, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अभय उभय का भयहीन और दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा, यानी भयहीन और दोनों जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और उभय का। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आशा और लापरवाही, ठीक है, तो ये तो आपका विकल्प है। इसके बाद है कुल और कल, तो यहां पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या कुल है और एक का मतलब यहां पर जो कल लिखा है ये आपका कुल है, ठीक है, क्या है कुल है, तो ये इसको काट दीजिए। यहां पर आप ये समझिए कि कुल और कुल का क्या अर्थ होगा, तो पहला क्या है पूरा और अधूरा, नेक्स्ट आपका यहां और वहां, अगला आपका यहां पर इस ओर और उस ओर, इसके बाद है वंश और किनारा। तो कुल का मतलब होता है वंश, ठीक है, और कुल का मतलब होता है किनारा, तो इसलिए यहां पर कुल और कुल का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर आपको बड़ा ओ का मात्रा लगा देना है, कुल और कुल का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा वंश और किनारा, यानी चौथा जो विकल्प होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वंश और किनारा जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। इसके बाद देखिए अगला, तो यहां पर आपका आ रहा है अनंत, यानी कि अर्थ, इसके अर्थ लिखने होते हैं, तो आप लोग इसको जो है किसी एक को करना है तो बहुत ही आसान इसको कर लीजिएगा, बाकी यहां पर देख लेना अनंत हो गया, पत्र हो गया, तीर हो गया। इसके बाद यहां पर देखिए आपका आता है जिसका ज्ञान कम हो तो उसे क्या बोलते हैं, तो अल्पज्ञ बोलते हैं, ठीक है, यानी कि आपका पहला जो विकल्प होगा राइट होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहां पर क्या आ रहा है, तो अगला है आपका यहां पर जंगल में स्वयं से लगने वाली आग, इसको क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं दावाग्नि, यानी कि आपका चौथा विकल्प राइट होगा, ठीक है। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, दावाग्नि बोलते हैं, यानी कि आपका द नंबर विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहां पर क्या आ रहा है, तो यहां पर आपका वाक्य को शुद्ध करना, जैसे कि आपका कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है, तो यहां पर क्या कर रहा है, नृत्य कर रहा है, ऐसा शब्द है, तो आप क्या बोलेंगे इसमें, नृत्य कर रहे हैं, मतलब छोटी छोटी इसमें गलतियां होती है तो इसको सुधार देना। जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा, तो आप पढ़ा रहे हैं बोल सकते हैं, सूर्य पूर्व से निकलता है, ठीक है, तो पूर्व इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है तो इसको सही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें छोटी छोटी मिस्टेक होती है तो इनको सही कर देना। इसके बाद हास रस हो गया, मतलब रस छंद अलंकार में, तो इसको आपको मैं बता चुका हूं, रस में आपको हास रस पढ़ लेना है, करुण रस पढ़ लेना, इसी प्रकार से अलंकार में आपको उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ लेना, और इसके बाद छंद में आपको सोरठा पढ़ लेना और चौपाई पढ़ लेना, ठीक है, तो यह चीज आपको इसमें कवर करना। इसके बाद आपका आता है पत्र लेखन, तो पत्र लेखन में बैंक प्रबंधक को ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र, तो आपका आने वाला है 100% गारंटी के साथ 6 नंबर यदि लाके जाएगा, तो इसको आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है, और मैं आपको इसको लिखने का तरीका भी बता चुका हूं। बाकी रही बात पर्यावरण, आपको यहां पर देखिए एक निबंध आएगा, तो आपका 9 नंबर का जो निबंध होगा, तो इसमें 9 नंबर के लिए आपको पर्यावरण प्रदूषण पढ़ना है, आतंकवाद पढ़ लेना है, बेरोजगारी की समस्या पढ़ लेना है, तो इस प्रकार से ये आपका 9 नंबर का एक टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा, काफी आसान है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर था जो कि आपको बिल्कुल सॉल्व करके जाना बोर्ड एग्जाम के लिए, और आपका बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह रोल निभाने वाला। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।